दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में ट्रीटिवा 10 समझे कैप्सूल के बारे में और जानेंगे इसके यूज डोज साइड इफेक्ट क्या करता है, कहां से ले जाता है, सावधानी क्या रखें, सब कुछ जानेंगे। सो देखिएगा, देखिए ट्रीटिवा एक ब्रांड नेम है इंडास कंपनी का। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सेल्फ यूज नहीं करना है। 3 स्ट्रेंथ से दोस्तों आता है 5, 10 और 20 मिलीग्राम। ठीक है, बात करें भाई क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है 10 मिलीग्राम में आइसोट्रीटिनोइन। आइसोट्रीटिनोइन विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। दोस्तों इसी तरह के कुछ अल्टरनेट ब्रांड भी आते हैं मार्केट में, जैसे कि आइसोट्रीन आता है सिबला कंपनी का, एक्यूट्रेट आता है इपका कंपनी का, टफ एक आता है अबर्ट कंपनी का। अगर इस नाम से ना मिले तो आप ये भी ले सकते हैं। कई बार पिंपल्स रहते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, पिंपल्स रहते हैं, नए नए पिंपल्स आते हैं, बहुत पुराने पिंपल्स हैं, कई सालों से है, निशान है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन रहता है, लाल रहती है स्किन, तो वहाँ पर फिर ये यूज किया जाता है। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले चुके हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता पिंपल्स के ऊपर, तो वहाँ पर फिर ये फाइनल में डॉक्टर देते हैं, अच्छा रिजल्ट देता है, ये पिंपल्स को बनने से रोकता है और निशान को भी कम करता है। बात करें मोड ऑफ एक्शन के बारे में भाई, किस तरह से काम करता, तो दोस्तों कई बार बैक्टीरिया होते हैं स्किन के ऊपर जिसके कारण पिंपल्स आते रहते हैं, स्किन खराब रहती है, तो उन बैक्टीरिया को किल करता है। कई बार दोस्तों पिंपल्स के पीछे का कारण सीबम होता है। सीबम एक नेचुरली ऑयली पदार्थ होता है, एलिमेंट होता है जो फेस की स्किन के ऊपर बनता है। वो दोस्तों स्किन को ड्राई नहीं होने देता, मॉइस्चराइजिंग प्रदान करता है, एज ए वैक्स काम करता है, स्किन को ग्लो देता है, लेकिन कई बार ज़्यादा बन जाता है जिसके कारण जो छिद्र होते हैं स्किन के वो बंद हो जाते हैं, फिर वो एक्ने का कारण बनते हैं, वहाँ पर एक्ने होने लगती है, तो उन्हीं छिद्र को ये खोलता है, सीबम को कम करता है, इस तरीके से काम करता है। डोज की बात करें तो आप 10 मिलीग्राम की सुबह शाम ले सकते हैं, एक महीने भी चल सकती है, 15 दिन बाद भी बंद हो सकती है, 10 दिन बाद भी बंद हो सकती है, तो थोड़ी लंबी भी चल सकती है और शॉर्ट टर्म में भी चल सकती है। घबराने की बात नहीं, आदत नहीं पड़ती, अच्छा काम करती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है इसके जो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी को, जैसे कि गला सूखना, माउथ ड्राई होना, स्किन पे रैशेज होना, ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जो हो सकते हैं। बात करें सावधानी क्या रखें, तो देखिए प्रेगनेंसी में ये यूज नहीं होगा। कोई महिला जो प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है तो वहाँ पर यूज नहीं होगा प्रेगनेंसी में। ब्रेस्ट फीडिंग में कर सकते हैं डॉक्टर अगर कहे तो, वरना नहीं करना है। किसी चीज़ की अगर आपको दवाई ले रहे हो साथ में और भी, तो वो एक बार डॉक्टर को बता दीजिएगा, कई बार रिएक्शन भी कर सकती है। तो दोस्तों संपूर्ण था वीडियो, कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझ में आया लाइक कीजिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।